छात्रता जिंदाबाद 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 छात्रता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र जेडीयू मगध विश्वविद्यालय के अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने सैकड़ों छात्रों के साथ मगध विश्वविद्यालय में बीएड 2021-23 सत्र का द्वितीय परीक्षा करवाने के लिए धरना दिया। इस धरना का नेतृत्व कर रहे छात्र जेडीयू के मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने कहा कि बीएड 2021-23 सत्र के छात्रों का द्वितीय परीक्षा को लेकर शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी मांगे थी कि 31 अगस्त से पहले द्वितीय परीक्षा लेने का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाए। ज्ञात हो कि बीपीएससी के द्वारा सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए सम्मिलित होने के लिए उन्हें अपने द्वितीय परीक्षा देना अनिवार्य है। अगर इनकी परीक्षा नहीं हुई तो मगध विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाए। इन सभी मांगों को लेकर जेडीयू छात्र अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशि प्रताप शाही से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इन सारी समस्याओं को उनके समक्ष रखा गया और ज्ञापन सौंपा गया। इसके उपरांत तुरंत कुलपति शशि प्रताप शाही ने छात्रों के समक्ष घोषणा किया कि शाम तक आप सभी की मांगों को पूरा किया जाएगा और एग्जाम शेड्यूल की तिथि को आज शाम तक जारी किया जाएगा। उत्तम कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह से कुलपति मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, अगर लगातार इसी प्रकार करते रहे तो आने वाले सालों में मगध विश्वविद्यालय की ग्रेड में वृद्धि होगी। ग्रेड के 21-23 वाले समस्याओं को लेकर गया जिला के अलावा पांचों जिला से सैकड़ों की संख्या में छात्र आए हुए थे। हम लोगों की जो मांग थी कि बीएड 21-23 जो सेशन के विद्यार्थी हैं उनका 31 जुलाई से पहले आप शेड्यूल जारी के लिए एग्जाम जारी करिए और फॉर्म भरने का डेट जारी करिए। इसमें करीब 8,000 से लोग इसमें बीएड के छात्र हैं जो इसमें प्रभावित हो रहे हैं। अगर इनका एग्जाम 31 जुलाई से पहले 31 अगस्त से पहले नहीं लिया जाता है तो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है उसमें एलिजिबल नहीं हो सकते हैं और इनका भविष्य अंधकार में जाएगा। इसको लेकर हम लोगों ने गया मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय सर से मुलाकात करके सारी समस्याओं से अवगत करवाया। साथ ही जो मगध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं कुलपति हैं माननीय शशि प्रताप शाही सर जो वाइस चांसलर है मगध विश्वविद्यालय से, जब ये सारी बातों को हम जब माननीय कुलपति महोदय को अवगत करवाया तो कुलपति महोदय तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए 20 मिनट के अंदर ही कंट्रोलर को बोलकर सारे बातों को जायजा लेकर आज शाम तक ही उन्हें आश्वासन दिया हम सभी छात्रों को कि आज शाम तक ही आप सभी का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और इसके लिए मैं माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद कहूंगा कि ऐसे कुलपति होना चाहिए मगध विश्वविद्यालय में जो छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालय में कुलपति आए इनके जैसा विश्वविद्यालय में कुलपति 3 साल रह गया तो हमें नहीं लगता है कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड मिला है हमारे मगध विश्वविद्यालय को भी ग्रेड मिलेगा। तो मैं माननीय कुलपति महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद कहूंगा कि आपने छात्र हित में एक फैसला लिया सर। आपके इस फैसले से मगध विश्वविद्यालय के बीएड 21-23 वाले के 8,000 से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा और उनको समस्याओं से निदान मिलेगा।